हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस. दिस इज आवर सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास प्लस वन, राइट. सो इसमें हम सबसे पहले हमारे पास जो आता है रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें बाद में आएंगी. सबसे पहले हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. सेट्स क्या होता है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है ना, कि बहुत सारे एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से. सी एक सेट है हमारे पास रेड कोमा ब्लू और एक सेट है बी बी कोमा सी कोमा एस, ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, हम सारे के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करते हैं, मतलब रेड के साथ कंबाइन कर दो बी, रेड के साथ सी, रेड के साथ एस, ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी, ब्लू के साथ एस, ठीक है ना. ये देखो रेड और ब्लू, इसके साथ में सारे के सारे एलिमेंट्स देखो, ये बन गया आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो ये सेट है ए, ये सेट है बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या होगा ए क्रॉस बी, ठीक है. ये होगा आपके पास ए क्रॉस बी, डन. सीरा देखो ए क्रॉस बी, और इसका ये एक क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एक सेट है, ये एक सेट है. अगर हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे हम ये, ठीक है, डन. नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम रिमार्क्स पढ़ते हैं. टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर्स, ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है. सो इन्होंने कहा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं अगर वो इक्वल हों तब हमारे ऑर्डर्ड पेयर इक्वल आएंगे. ऑब्वियसली जैसे मान लो यहाँ पे रेड है, रेड है, यहाँ पे हमारे पास ब्लू है, इस सेट में ब्लू है, मतलब मान लो ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट, ठीक है. तो रेड को पेयर करोगे रेड के साथ तब हमारे पास इक्वल आ गया. फिर तब और कैसे इक्वल होगा, रेड को ब्लू के साथ करा इक्वल नहीं होगा, ब्लू को रेड के साथ करा इक्वल नहीं होगा, ब्लू को ब्लू के साथ करा इक्वल होगा, ठीक है ना, तब ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल आएंगे. नेक्स्ट, इफ देयर आर पी एलिमेंट्स इन ए एंड क्यू एलिमेंट्स इन बी देन देयर विल बी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. देखो ध्यान से, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स आए इसमें, सिक्स, ठीक है. और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लोगे तो आपको ये चीज पता लगेगी, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री होता है ना सिक्स. तो अगर आप इसमें p एलिमेंट्स हैं और अगर इसमें q एलिमेंट्स हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, p मल्टीप्लाई बाय q, तो p q एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, आंसर आ गया. नेक्स्ट, a एंड b नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है इनमें, और आइदर a और b एज इन इनफाइनाइट सेट, या तो a इनफाइनाइट है या b इनफाइनाइट है, ठीक है. देन सो इज a क्रॉस b, तो a क्रॉस b इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि कैसे, सपोज मान लो ये आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है, तो रेड को हमने रेड के साथ पेयर कर दिया, रेड को ब्लू के साथ, अब ये देखो आगे इन्फिनिट है, रेड को किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं, सो ए क्रॉस बी भी एक इन्फिनिट सेट बन गया हमारे पास, ठीक है. नेक्स्ट, ए क्रॉस ए को हम कहते हैं ट्रिपलेट, ठीक है, ए कोमा सी कोमा बी कोमा सी ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है. सो इसको हम क्या कहते हैं, एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. अगर हम ए क्रॉस ए लेते हैं तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि हमने ए की एलिमेंट को तीन बार लिख दिया, तो ट्रिपल एट ट्रिपलेट. नेक्स्ट हमारे पास ये दो, वन सेकेंड, गिरा. इफ दिस सेट दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो कोई बात नहीं, आप एक्स प्लस वन को थ्री के साथ इक्वेट कर दो और वाई माइनस टू को वन के साथ इक्वेट कर दो, बस ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है ना. अगर ये इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. देन नेक्स्ट, ये पी सेट इज दिस, आर सेट इज दिस, फ्रॉम द सेट पी क्रॉस क्यू ए आर बी आर सी आर बन गया आपके पास. Q क्रॉस P मतलब पहले ये लेंगे, पहले हम Q के एलिमेंट्स लेंगे R A R B R C, ठीक है. नेक्स्ट, तो इससे हमें चीज पता लगती है कि P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, जरूरी नहीं है दोनों इक्वल हों, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सेट A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस, A क्रॉस, पहले हम B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, ठीक है. B इंटरसेक्शन C क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 4, तो इसका क्रॉस बनाएंगे हम कि 1,4, 2,4 एंड 3,4. सिमिलरली पहले हम ये निकालेंगे फिर ये इसका इंटरसेक्शन. आई विल डू दिस पार्ट फॉर यू, राइट. ए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपको कहा गया है, ठीक है, ये कहा गया आपको क्वेश्चन में. सो आपको पहले क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बता दी थी बात कि पहले हमें ब्रैकेट्स वाली चीजें क्रॉस सॉल्व करनी है. तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा आपके पास, 1,3, सॉरी ए क्रॉस बी आपके पास बनेगा 1,3 और बड़ी 2,3 3,3 1,4 2,4 एंड 3,4,
ठीक है, फिर सिमिलरली आप निकालोगे ए क्रॉस सी, ठीक है। आप इन दोनों में देखोगे कॉमन कौन सा है, आई डू दिस ओके, ए सी 1.4, 1.5, 1.6, सिमिलरली 2.4, 2.5, 2.6, आप ऐसे ऐसे आकर करते रहोगे, ठीक है। सो इसमें आप देखोगे कॉमन कौन सा आ रहा है, अब तक इसमें तो कोई कॉमन नहीं आया है, आगे देखते हैं हम। ये देखो 1.4 कॉमन आ गया है, 2.4, तो जो भी आपके पास कॉमन आएगा आप उसका एक सेट बना दोगे जो है आपके पास 1.4, 2.4 और यह है आपके पास 3.4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अगले पार्ट भी सेम है, द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर ऑल्सो सेम। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 4, इफ पी इज दिस फ्रॉम द सेट पी क्रॉस पी, मतलब ए, दो बार इसको लिखो, व्हाट इज दिस, ये रहा हमारे पास 1.2 क्रॉस 1.2, ये रहा 1.2, ठीक है। अब तीन चीजों को कैसे क्रॉस करते हैं, देखो ध्यान से, 1 इसका लिया, इसका 1 और इसका 1, पहले दोनों का, पहले हमने इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, फिर हम ले चलते हैं इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, डन, फिर इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, फिर इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, हो गया ये, इसका फर्स्ट इसका सेकंड ले लेते हैं, फिर हम इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, फिर इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, फिर इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, डन, फिर इसका सेकंड, इसका हो गया आपके पास इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ें बन जाएंगी। अब आपको वेरीफाई कैसे करना है आपने सही किया या गलत किया, इस तरीके से, ठीक है ना, ए क्रॉस बी से, कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो इसमें ए क्रॉस बी होंगे। जैसे पी में कितने एलिमेंट्स है, 2, फिर अगेन पी में एलिमेंट्स है 2, फिर पी में एलिमेंट्स है 2, 2, 2, 2 टू 4, 4 टू 8, तो इसमें 8 आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लाइक आप ऐसे लिखो 1, सीधी से, अगर हमारे पास कॉइन्स वाला आता है ना, तब भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, जैसे हमने 1 लिख दिया 4 टाइम, 2 लिख दिया 4 टाइम, फिर 1, 2 टाइम, 2, 2 टाइम, 1, 2 टाइम, 2, 2 टाइम, फिर 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। इससे भी आप बना सकते हो इसको इजी वे है। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर सार एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। सी आर क्रॉस आर क्या होगा हमारे पास, आर में मान लो हमारे पास 1 एलिमेंट, जैसे 1, सपोज इसमें है हमारे 1, सपोज 1 है, ठीक है, इसमें भी हमारे, इसमें मान लो हमारे पास 1 है, तो 1 क्रॉस 1 क्या बनेगा आपके पास, ये, तो इसमें दो नंबर्स आएंगे ना इसमें हमारे पास, ठीक है ना, इसकी कोऑर्डिनेट जब आपको क्रॉस निकालते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएंगे उसमें नंबर्स, ठीक है। पहले एक एक थे, जैसे इसमें देखो सेट बी में जैसे ये था, तो इसमें देखो 2, 2, 2, 2 का एक पेयर बन जाता है, एक पेयर में हमारे पास 2 आएंगे, जैसे 1, फिर 2 एलिमेंट, फिर 1, तो इसमें देखो 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, तो मतलब 2-2 का पेयर बन जाएगा, राइट, तभी तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो पेयर मतलब देखो 2-2 के पेयर्स बनेंगे, तो 2D में जो जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 1.2 का एक वो बन गया, आता है ना जब हम ग्राफ बनाते हैं 2D का, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1.2, सिमिलरली लेट, तो ये पॉइंट्स इन 2D, और अगर हम 3 का बनाएंगे तो पॉइंट्स इन 3D, जिसमें हम एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ज़्यादा बाद में पढ़ोगे फर्दर चैप्टर्स में, 3D का चैप्टर रहेगा तो इसमें ज़्यादा पढ़ोगे आप। A क्रॉस B इज दिस, फाइंड A एंड B। सी A क्रॉस B, जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो A के होंगे और जो बाद के एलिमेंट्स होंगे वो B के होंगे, ऐसे तो किया था हमने पहले। अब अगर हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो पहले A के एलिमेंट्स, फिर बाद में B के एलिमेंट्स, ठीक है। तो A के एलिमेंट्स क्या होंगे, P एंड M, क्योंकि आई डिडंट सी दिस क्लियरली, तो ये हो गया P और M, बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट B में क्या हो गया, क्यू आर, ठीक है, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज पे, एग्जाम्पल की तरह है ये भी, हमने एग्जाम्पल करा इसका। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 = 9, G H G × H H × G सिंपल है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स निकालना है आपने, ये भी सिंपल क्रॉस का है। नेक्स्ट,
ओके देखो इसमें पी क्रॉस क्यू निकालना है आपने, तो एम क्रॉस एन, एन क्रॉस एम, ये आगे करके निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई रॉन्ग है तो उसको रीराइट करना है। नेक्स्ट है आपके पास ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इन्होंने कहा कि एक्स ए क्रॉस बी भी ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्स जो है जो पहला एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि ए क्रॉस बी है, तो दूसरा एलिमेंट बी, तो ये ट्रू है। ए इज दिस, बी इज दिस, ये आप निकाल सकते हो, मैंने इसका ऐसे एग्जाम्पल कराया था आपको, ये भी आप निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी इज दिस, फाइंड ए एंड बी, पहले वाले एलिमेंट ए के सेकंड वाले बी के। नेक्स्ट वेरीफाई दैट, ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपने कर रखे हैं, और इसमें देखो ए क्रॉस सी से सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो पहले आप निकालोगे ए क्रॉस सी, फिर आप निकालोगे बी क्रॉस डी। सबसेट कब आएगा, सबसेट मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स अगर बी क्रॉस डी में हुए तो वो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ए और बी, ए क्रॉस बी निकालना है आपने, कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। सी अगर हमने सबसेट लिखने किसी चीज, जैसे मान लो ये आपके पास, ये आपके पास पी क्रॉस क्यू, इसके हमने सबसेट लिखने हैं, तो एक इसका ये सबसेट, एक ये सबसेट और एक ये सबसेट, ठीक है। तो सबसेट ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच एन ऑफ ए इज दिस, एन ऑफ बी इज दिस, दिस आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में आपके पास अगर ये आ रहा है, ओके फाइंड ए एंड बी, हमने सबसे पहले ए और बी निकालना है वेयर एक्स एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ओके। सी सबसे पहले हमें ये देखना है, इसमें तीन एलिमेंट्स और इसमें दो, तो इसके क्रॉस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू सिक्स, तो इसमें सिक्स आएंगे, ये थ्री तो ये है और अदर थ्री विल बी द अदर एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है, फिर हमें कहा गया ए और बी निकालना है, तो ए क्या होगा एक्स वाई एंड जेड, और बी क्या होगा वन कोमा टू, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ए में और जो बाद के एलिमेंट्स हैं वो बी में, ठीक है। नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज हैज नाइन एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड दिस एंड दिस, दो हमें बताए गए हैं और इसमें टोटल है नाइन एलिमेंट्स, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए है हमारे पास, सी देखो इसमें मान लो आपके पास एक्स है, देखो ए और ए दोनों चीजें एक है, तो मान लो इसमें भी एक्स एलिमेंट्स और इसमें भी एक्स एलिमेंट्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नाइन है, तो एक्स क्या हो जाएगा तीन, माइनस थ्री नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो पॉजिटिव आएंगे। सो ए में क्या होंगे थ्री एलिमेंट्स, अब हमने थ्री एलिमेंट्स चेक करना है, माइनस वन जीरो कोमा वन, तो ए क्या आ गया माइनस वन जीरो वन, और हमें फिर ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस ए कैसे निकालोगे, जिसे मैंने ये बताया था ना आपको, ये चार बार ये लिख के आप ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें और इसमें देखो ध्यान से, इसमें बी इंटरसेक्शन फाई की प्रॉपर्टीज लगेंगी, बी इंटरसेक्शन फाई तो क्या आ जाएगा, आप किसी भी सेट की फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो वही आ जाता है फाई, ठीक है। तो ए क्रॉस फाई, ए क्रॉस फाई, अब ए ये रहा वन कोमा टू, इसकी फाई के साथ वो करो आप वन कोमा टू क्रॉस फाई, ठीक है। तो वन कोमा फाई टू कोमा फाइव ये बनेगा आपके पास, बट ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा फोल्स, तो इसको रीराइट कर देना वन कोमा फाइव टू कोमा फाइव।